हमारे देश में अध्यात्म के इतिहास में दो प्रकार की धारणाएं प्रमुख रही हैं, एक है योग की धारणा और दूसरी है सांख्य की धारणा। सांख्यविद का कहना है किसी का होश साधो, कुछ क्रिया कर्म करने की कोई विधि करने की कोई जरूरत नहीं है, जागृति की मात्रा को बढ़ाओ बस, किसी विधि का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं, कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं। दूसरी धारणा योग की है, उनका कहना है कि हम सीधे सीधे नहीं जाग पाएंगे तो हम किन क्रियाओं की मदद लें, उदाहरण के लिए हम थोड़ा सा प्राणायाम कर लें, व्यायाम कर लें, कुंभक कर लें, उसके बाद हम ध्यान करने बैठे तो हमको आसानी से ध्यान हो जाता है। तो उनका जोर है कि हम सीधे जागरण की बात नहीं कह रहे, हम तो उन विधियों की बात करेंगे जिनसे जागरण फलित होता है, सीधे जागरण की बात नहीं कह रहे। तो ये दो धाराएं, दो धारणाएं प्रमुख रही हैं और एक दूसरे के विपरीत। बड़ा वाद विवाद इनमें आपस में रहा है। सांख्यविद योगियों को कहेंगे गलत, ये फिजूल की रवायत कर रहे हैं, इससे क्या होगा, सीधे होश साधो बस बात खत्म। योग वाले कहेंगे कि कैसे कहेंगे सीधा हो सकता है, हम एक विधि विधान से गुजरेंगे, एक प्रयोग करेंगे, उसके परिणाम स्वरूप जागरण घटित होगा, कोई सीधा कैसे जाग सकता है। तो बड़ा दार्शनिक वाद विवाद इन दोनों धारणाओं में रहा है। जी कृष्णमूर्ति कहेंगे सीधा चॉइसलेस अवेयरनेस में डूब जाओ, विधियों में मत पकड़ जाना। वो सावधान करेंगे कि विधियों पकड़ने वाले अक्सर भूल कर जाते हैं, विधि ही करते रहते हैं जिंदगी भर, जागृत होना कहीं बात ही भूल जाते हैं, है ना। योग में आठ अंग कहे पतंजलि ने, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अंत में आता है ध्यान समाधि। 99% योगी कभी ध्यान समाधि तक जाते ही नहीं, वो तो बिल्कुल पहली चीजों पर आसन और प्राणायाम को पकड़ कर बैठ जाते हैं, बस पूरी जिंदगी गुजर जाती है आसन प्राणायाम में, भूल ही गए आगे भी जाना था। आठ अंग है, आठ सीढ़ी है मंदिर में पहुंचने की, नीचे की सीढ़ियां पकड़ो बस, वही आसन लगा के बैठे हैं, हस्ती का प्राणायाम चलता उनका, आगे की बात ही नहीं। ये गलती तो हुई है, खराब तो है, लाखों लाखों योगी तपस्वी इसी में उलझ गए, कितने लोग घर द्वार छोड़ के जंगल जाके तपस्या की है, बहुत कष्ट दिया अपने आप को, लेकिन ये सब किस लिए कर रहे थे वो उनके ख्याल में नहीं है। जैसे कि यही लक्ष्य है तपस्या करना, जैसे त्याग करना ही कोई लक्ष्य है, ये किसी चीज का साधन हो सकता था, किसी चीज में सहयोगी हो सकता था, ये लक्ष्य तो नहीं हो सकता। वो साधन कोई साध समझ लीजिए, बस यही करना है। तो भयंकर भूल हुई है वो कृष्णमूर्ति की बात में दम है, जब वे कहते हैं कि व्यर्थ के ऊहा पोह में नहीं पड़ना, हो साधो बस, उनके तर्क में बल है। इसके ठीक विपरीत जो योग के पक्ष धरे हैं उनकी बात में भी बल है कि होश की बात सुन सुनकर कितने लोगों को होश आया, उनकी गिनती करने बैठोगे तुम पाओगे वो भी नहीं है, नहीं के बराबर। सुनते रहो प्रवचन अष्टावक्र महागीता के, होने वाला कुछ नहीं, बात बिल्कुल सही है लेकिन जनक के लिए तो बात बन गई, हमारे लिए बन पाएगी कि नहीं बड़ा मुश्किल है, शायद ही किसी के लिए बने, या कोई होगा अगला एक दो तीन, इस कोई बड़ी गिनती होती नहीं हो सकती, लाखों लोगों के लिए तो किसी भी काम की बात नहीं, और उसमें भी खतरा है वो बातों में उलझ के हमें भ्रम ही पैदा ना हो जाए,
कि हो गया जागरण घटित, ये भी घट रहा है, बहुत लोगों को हुआ है, बहुत वेदांती हैं हमारे देश में, बड़े ऊंची ऊंची दार्शनिक बात करते हैं, हम ब्रह्मास्त्र से कभी भी कोई बात ही नहीं होती ना। क्या वास्तव में वह ब्रह्म वाला जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, तो बहुत से देखो तो पता चलता है कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो साधारण ऊंची जीवन है, बातें बहुत ऊंची ऊंची। तो दोनों तरफ खतरा है, संघवानों का भी खतरा है, कोई भी बात ही बात रह जाए तो करना तो कुछ है नहीं, और आलसियों को बात बड़ी अच्छी लगती है, करना तो कुछ है नहीं, ब्रह्म तो हम है। करने वालों का खतरा है, वे करने में उलझ गए, जिस चीज के लिए कर रहे थे उसको ही भूल गए, चलना तो उन्हें शुरू कर दिया, जाना कहां था ये उनको पता नहीं, वो तो चलने वाला कहना है, चलते चलते जाएंगे, चले हुए थे चले हुए थे, जाना कहां है वो बात ही मत करो, तो चलने में कॉम्पिटिशन होना था, हम भी इसमें चल गए, तो चौबीस मिनट चल गई, हम कब से चल रहे हैं, जन्मों जन्मों से चल रहे हैं, उसी में अहंकार आ गया। तो ये दोनों मुश्किल है समझना, दोनों धारणाओं में सच्चाई भी है और खतरे भी है। हमारे प्यारे सद्गुरु गोष्ठी हमें नई धारणा देते हैं जो पहले कभी नहीं थी, और वह है दोनों के समन्वय की। दोनों के समन्वय की, तुम कुछ करो भी इस बात का ख्याल रखते हुए क्या होता है, निष्क्रियता में पहुंचना है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हम शुरू करें संकल्प से, योग से, क्रिया से, और अंत करें साम्य पर, झांझे पर, विपस्सना पर, तो शायद दोनों के खतरों से हम बच सकते हैं, और न एक तरफ कुआं एक तरफ खानी है, बिल्कुल मध्य का मार्ग यही हो सकता है। अभी थोड़े दिन पहले हमें ओशो के बहुत पुराने प्रवचन किसी मित्र से प्राप्त हुए, 1962 के, वो शायद पहली ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी, नए नए डेट रिकॉर्डर उस समय आए थे 1962 में, उसमें दो प्रवचन ऐसे मिले जिसमें ओशो इस बात पर बहुत जोर दे रहे हैं कि मैं चाहता हूं अखंड साधना पद्धति। एक जगह उन्होंने अखंड साधना का प्रति शब्द यूज किया है, और दूसरे प्रवचन में उन्होंने अनेकांतवादी साधना कहा है। अभी तक की सारी साधनाएं एकांगी थी, एक हिस्से को बहुत एम्फेसाइज करती थी और दूसरे के विपरीत, दूसरे के खिलाफ में, और दूसरा भी ऐसे करता था, तीसरा भी ऐसे करता था, चौथा भी वैसे करता था, एक चीज के पक्ष में पूरी तरह से, बाकी सबके विरोध में, किसी बात से कहो कि योग साधना कर लो नाराज हो जाएगा कि मैं भक्त हूं, कहा कि योग साधना क्या बकवास कर रहा, कि शरीर की दवाओं से क्या होगा, अरे भक्ति के भाव में डूबो, समर्पण में, असली बात वो है, कोई परमात्मा के साथ पुष्टि रखनी है क्या, पहलवानी करनी है, कि समर्पित होना है, उसका भी ठीक लगेगा। वो जो कह रहे हैं मैं चाहता हूं अखंड साधना पद्धति, क्योंकि हम शरीर भी हैं, हम मन भी हैं, हम हृदय भी हैं, हम इंद्रियां भी हैं, हम चेतना भी हैं, मनुष्य का होना इन सब कुछ का समन्वय है, तो हम क्यों इसमें से एक छोटे से अंग को चुने, ऐसे हो गया कि हृदय तय कर लेकिन तो सिर्फ लिवर को ही खून पहुंचाऊंगा, ये किडनी फिडनी और स्प्लीन हड्डियां हर दिन क्या रखा है, लिवर और ब्रेन असली बात है, सिर्फ उन्हीं को खून पहुंचाऊंगा, फिर ये शरीर जिंदा नहीं बचेगा, हर एक एक छोटा से छोटा अंग उतना ही महत्वपूर्ण है जितने बड़े बड़े अंग महत्वपूर्ण है, और जीवन तभी चलेगा जब वो सब संतुलन में और समन्वित सम्यकता में हो।
त्वचा को भी खून चाहिए, श्वास चाहिए, आंख को भी चाहिए, नाक को भी चाहिए, आंतों को भी चाहिए, ब्लैडर को भी चाहिए, सबको चाहिए। तो जो कह रहे हैं मैं चाहता हूं ऐसी साधना पद्धति विकसित हो, अनेकांतवादी एकांतवादी नहीं, सब कुछ का समन्वय है। ठीक है, परसेंटेज अलग अलग हो सकती है, एक व्यक्ति ज्यादा हृदयपूर्ण है तो ठीक है उसकी साधना में भक्ति महत्वपूर्ण तत्व हो जाएगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अन्य चीजों की उपेक्षा हो जाएगी, उनका भी सपोर्ट और सहयोग मिल जाए। ठीक है, कोई व्यक्ति बहुत शरीर केंद्रित है तो उसकी साधना पद्धति शरीर केंद्रित मुख्य रूप से होगी, मुख्य रूप से परसेंटेज ज्यादा होगी, इसका ये मतलब नहीं कि अन्य चीजें नहीं होंगी, कम परसेंटेज में होंगी। तो 1962 के प्रवचन सुन के मैं बहुत हैरान हुआ कि वो शोनित ने पहले जो बात कही थी समझो उसी का प्रायोगिक रूप उन्होंने अपने जीवन में विस्तार से फिर प्रस्तुत किया। अन्यथा ऐसा कभी हुआ नहीं था कि एक ही ऋषि ने भक्ति भी समझाई हो, पतंजलि योग भी समझाया हो, विपस्सना भी समझाई हो, झेन भी समझाया हो, ताओ भी समझाया हो, सूफी पद्धति भी समझाई हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। सूफी मास्टर से सूफी पद्धति तक सीमित थे, झेन वालों का एक छोटा सा घेरा था, उस घेरे के अंदर की बात बस, उसके बाहर की बात नहीं। सबके अपने अपने कर्तव्य थे, उसने सब दीवार मिटा दी, सब कुछ हमारा है, जहां से हमें जो इच्छा लगेगा हम उसका सब उपयोग करेंगे, और व्यक्ति व्यक्ति अलग अलग हैं, अपने अपने ढंग से चुनेंगे, नए कॉम्बिनेशन बना लेंगे, अपनी अपनी रुचि रुझान के अनुसार